दोनों इंडिया और पाकिस्तान दोनों का अच्छा स्ट्रेंथ है, मगर ये स्पोर्ट है ना, स्पोर्ट्स में सब कुछ स्पोर्ट्समैनशिप में लेना ही चाहिए, नॉट लाइक कंट्री वाइज लाइक पाकिस्तान एंड इंडिया। इस समय एक्साइटमेंट भी होगा, हाँ एक्साइटमेंट होगा, बट आई थिंक इंडिया, तो वी विल ऑलवेज सपोर्ट इंडिया। बल्लेबाजी के हिसाब से देखा जाए तो बाबर आजम काबिलियत की तारीफ होनी चाहिए, बाबर अच्छा खेलता है। बस मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि जो भी जीते अच्छे से खेल कर जीते। वैसे एक बात जरूर कहना चाहती हूँ, मजा पाकिस्तान और हिंदुस्तान की टीम का ही आता है। वर्ल्ड कप शुरू हुए 9 दिन गुजर चुके हैं, इस दौरान पाकिस्तान की क्रिकेट टीम अपने दोनों मैचेस हैदराबाद दक्कन में जीत चुकी है। पहले उसने हॉलैंड को शिकस्त दी और उसके बाद उसने श्रीलंका के खिलाफ वर्ल्ड कप की तारीख का सबसे बड़ा टारगेट अचीव करते हुए कामयाबी हासिल की। और अब पाकिस्तान की टीम अहमदाबाद में मौजूद है, जहाँ कल उसका मुकाबला रिवायती हरीफ इंडिया के साथ होने वाला है। जी हाँ, एक ऐसा मैच जो दुनिया भर के क्रिकेट के शायकीन को अपनी तरफ खींच लेता है। इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट का सबको पता है कि अपना ही एक अलग मज़ा है और सब बेचैनी से इस इंडिया पाकिस्तान मैच, अहमदाबाद के इस मैच का इंतज़ार कर रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये 2019 के आलमी कप में मैनचेस्टर ओल्ड ट्रैफर्ड के बाहर के मनाजिर हैं, जब पाकिस्तान इंडिया की टीमें वहाँ खेल रही थी वर्ल्ड कप का एक अहम मैच। तो शायकीन का जो जोश व खरोश था वो अपने उरूज पर था, और यही जोश व खरोश मैंने मेलबर्न में देखा है, एडिलेड में देखा है, शारजा, दुबई, और हर उस ग्राउंड में मुझे यही जोश व खरोश नज़र आया है जो पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट की खूबसूरती है। लेकिन क्या इस मरतबा भी ऐसा ही जोश व खरोश अहमदाबाद में नज़र आएगा इंडिया पाकिस्तान के मैच में? इसलिए ये सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ क्योंकि सब ये अच्छी तरह जानते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी शायकीन को वीज़े जारी नहीं किए। सिर्फ यही नहीं कि जो पाकिस्तान में शायकीन रहते हैं उन्हें वीज़े नहीं मिले, बल्कि दुनिया के हर उस मुल्क में जहाँ पाकिस्तानी रहते हैं और वो वर्ल्ड कप देखने के लिए इंडिया जाना चाह रहे थे उन्हें भी वीज़े नहीं मिल पाए हैं। और इंग्लैंड एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी रहते हैं, तो उनके साथ भी सूरत हाल कुछ इसी तरह है कि वो भी अभी मायूसी के आलम में बैठे हैं वीजों के इंतजार में। रशीद भाई, हमने एंड ऑफ अगस्त में इंडिया का वीजा अप्लाई किया, जुलाई में स्केड्यूल आया था, हमने प्रोग्राम किया, फिर अपनी डॉक्यूमेंटेशन की सारा देखा के वीजा प्रोसेस किया है पूरा। एक चीज ऐड अप कर दूं आपको, क्योंकि पाकिस्तानी डिसेंडेंट होते हुए आपको चाहे आप ब्रिटिश शहरी क्यों ना हो, आपको पाकिस्तानी पासपोर्ट पर ही अप्लाई करना होता है, तो इसलिए थोड़ा सा हमें टाइम लगा डॉक्यूमेंटेशन में, लेकिन एंड ऑफ अगस्त में हमने वीजा अप्लाई कर दिया था। और एंड ऑफ अगस्त में ही आईसीसी ने जब अपनी फर्स्ट विंडो ओपन की टिकट्स की, तो हमने टिकट्स भी बाय कर लिए हैदराबाद के 2 मैचेस के और अहमदाबाद के पाकिस्तान इंडिया के मैच के। अच्छा, हम लोग काफी एक्साइटेड थे, इवन के हमारे वो दोस्त भी एक्साइटेड थे जो कुछ वजूहत की बिना पर नहीं जा पा रहे थे। लेकिन एनीवे, खैर, एंड ऑफ अगस्त में, अगस्त के 4th वीक में हमने अप्लाई किया और उसके बाद टिकट हमारा ऑलरेडी हमने अपनी एप्लीकेशन के साथ लगा दिए थे। उसके बाद हमारे 2 दिन बाद ही जो है हमारा पासपोर्ट्स हमारे सबके वापस आ गए, पाकिस्तानी पासपोर्ट्स, वो साथ में ये कह के कि हम ये वीज़ा एंट्री क्लियरेंस पे चला गया है और जैसे ही वहाँ से आउटकम आएगा तो वो हमें रब्ता करेंगे और हमें वीज़ा एक्सटेंड करने के लिए हमें कॉल करेंगे या हमें ईमेल पर रब्ता करेंगे कि हमें कहाँ आना है। अच्छा, दूसरी चीज़ वीज़ा स्टोरी थोड़ी सी और आपको बता दूं कि ऐसा नहीं हुआ कि अभी आज मतलब 2nd वीक ऑफ अक्टूबर ख़त्म हो रहा है, वीज़ा में कोई हलचल नहीं हुई। जब हमें प्रोसेस के लिए, क्योंकि पाकिस्तानी पासपोर्ट पर प्रोसेस कर रहे थे तो हमें वहाँ के स्पॉन्सर भी चाहिए थे, तो इत्तेफाक से हमारे दोस्त हैं वहाँ, हैदराबाद में भी हैं, गोवा में भी हैं, हमारी आइटनरी में गोवा भी शामिल था कि हम जब इंडिया जा ही रहे तो थोड़ा सा 2-4 शहर घूम कर भी आएंगे। तो 2nd वीक ऑफ सेप्टेम्बर में हमारे दोस्तों के पास कन्फर्मेशन, मतलब वहां के मकामी पुलिस स्टेशन ने क्लियरेंस के लिए उनसे रब्ता किया कि भाई ये कुछ लोगों को आपने स्पॉन्सर किया, इंग्लैंड से 5-6 लड़के आ रहे हैं, तो आप जरा तशरीफ लाएं और हमें सारी डिटेल दें, और उनसे सारी पूछगछ की, उनसे अंडरटेकिंग साइन कराए। 20 सितंबर के बाद हमने इंडियन एम्बेसी को नॉक करना शुरू किया कि हमारा वीजा कहाँ है, तो कोई रिप्लाई नहीं, कोई बोझ नहीं। सेप्टेम्बर खत्म हो गया, अक्टूबर का 1st वीक हमने डेडलाइन रखी पहले कि 6 को पहुंचेंगे, तो 3 का एक कट ऑफ टाइम रखा, 6 का मैच चला गया तो हमने फिर 8 तक का एक कट ऑफ टाइम रखा कि 8 को
चले जाएंगे, लेकिन वो अभी नहीं। और आज तो 12 तारीख आ गई, आज तक कोई विजिट कोई वो नहीं है, और इंडियन एम्बेसी ने हमें कोई भी रिप्लाई नहीं दिया अभी तक इस बारे में। आज कोई न्यूज सुनी कि शायद वो वीजा इशू करना शुरू किया, लेकिन इट्स टू लेट। अच्छा, एक चीज मैं आपको टिकट प्राइसेस बता दूं। अच्छा, हमने एक्साइटमेंट में, हमारे जहन में भी नहीं था, हम सोचे थे हम इंग्लैंड से अप्लाई कर रहे हैं तो, और वर्ल्ड कप है, जरा एक्सपीडाइट वे में हमें वीजा भी मिल जाएगा, क्योंकि इवेंट के ऊपर जा रहे हैं, हमारे पास टिकट्स भी ऑलरेडी थे जो हम ऑलरेडी उन्हें प्रोवाइड भी कर चुके थे। तो हमने एक्साइटमेंट में जरा थोड़े से महंगे टिकट खरीदे। हैदराबाद वाले मैच के टिकट के तो हमें एक टिकट तकरीबन 100 पाउंड का पड़ा, और अहमदाबाद वाले मैच जो पाकिस्तान इंडिया का मैच था, वो हमने टिकट 11,500 पर दे, हमें तकरीबन 130 पाउंड कॉस्ट किया। तो 100 पाउंड तक पाकिस्तानी हिसाब से, मतलब हैदराबाद के एक मैच के हमें 35,000 का एक टिकट पड़ा, और अहमदाबाद वाला मैच हमें तकरीबन 50,000 से ऊपर कॉस्ट किया। अच्छा, सारे टिकट नॉन रिफंडेबल थे, और सबसे बड़ी बात यह कि क्योंकि वो इंग्लैंड में डिलीवर नहीं कर सकते थे, तो हमने टिकट जो है वो कलेक्शन पे लगाए थे। अच्छा, कलेक्ट सिर्फ वो ही कर सकता है टिकट जिसने बाय किया हो, और जब कलेक्शन करते हैं तो वो एक कार्ड आपको प्रोड्यूस करना पड़ता है, जिस कार्ड से आपने पेमेंट की, और अपनी एक आईडी दिखानी पड़ती है। तो हमारे टिकट, क्योंकि कलेक्शन भी हमने खुद ही करनी थी वहां पहुंच के, तो वो भी नहीं हो सकेगा, किसी को गिफ्ट भी कर देते। इस सूरत हाल में अहमदाबाद के स्टेडियम के अंदर और बाहर आपको सिर्फ इंडियन फैंस ही नज़र आएंगे जो अपनी टीम को सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। कुछ सपोर्ट अगर पाकिस्तानी टीम को मिलेगी तो वो लोकल जो सपोर्टर्स हैं पाकिस्तानी टीम के, जो मद्दा हैं, उनकी तरफ से नज़र आएगी, लेकिन पाकिस्तानी शायकीन की जो कमी है वो शिद्दत से महसूस होगी, और इस बात को इंडियन जर्नलिस्ट हिमांशु पारिक ने भी महसूस किया है। नमस्कार अशीत जी, देखिए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैचेस जो हैं वो कौन क्रिकेट लवर एंजॉय नहीं करता। सबसे ज़्यादा एंजॉय मैं करता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है ना कि दुनिया में जो क्रिकेट प्लेइंग नेशन है वो इंडिया और पाकिस्तान ही हैं, लाइक फ्रॉम द फैंस पर्सपेक्टिव। ऑब्वियसली सब जगह देखते हैं, पर वो लोगों का इंटरेस्ट इंडिया और पाकिस्तान फैंस जितना नहीं है। तो जब एक ऐसा इवेंट होता है जो इन दोनों देशों के लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है, तो वो अपने आप इंटरेस्टिंग हो जाती है। जिसको क्रिकेट का पसंद नहीं है वो भी सिर्फ भीड़ को देखने के लिए मैच देख लेता है कि लोग इतने पागल इस चीज़ के पीछे क्यों हैं। तो मेरे साथ भी वही चीज़ है कि मैं इस मैच को सबसे ज़्यादा इन्जॉय करता हूँ, क्योंकि हमारी जो राइवलरी है ना वो उस तरह की है। मतलब हम ये मान लीजिए कि एक घर में से दो लोग टूट कर मैच खेल रहे हैं, तो एक तो ये बात है, और रही बात फैंस की, कि फैंस के आने से कैसा फ़र्क पड़ेगा, तो ऑब्वियसली बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। आप इतने बड़े ग्राउंड्स में अगर पाकिस्तानी टीम खेलेगी, तो अगर उनके पास उनके फैंस का सपोर्ट होता तो उनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा अलग तरीके का दिखता। पर शायद वो चीज़ अब ना हो, और थोड़ा सा हो सकता है प्रेशर में आ जाए वो टीम। पर एक ये भी चीज़ मानिए कि उनके लिए मैच होने वाला है बायलेटरल के जैसा, कि वो भारत के दौरे पर आए हैं, भारत के खिलाफ खेल रहे हैं, सारे फैंस भारत के हैं, पर पाकिस्तान टीम ने बायलेटरल्स में अच्छा किया है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। और जैसा मैच है थोड़ा सा कलरलेस तो रहेगा, ऑब्वियसली पाकिस्तान फैंस के बिना वो जो तस्वीरें आती है कि आपस में गले मिल रहे हैं, हंस रहे हैं, फ़ोटोज़ खिंचवा रहे हैं, वो सब चीज़ें नहीं मिलेगी। पर जो अभी थोड़ा सा माहौल है वो थोड़ा सा कैंस है दोनों देशों के बीच, तो वी शुड बी ग्रेटफुल कि इतना भी अगर हमें देखने को मिल रहा है कि भारत पाकिस्तान का मैच साल में दो बार देखने को मिल जाए, तो वी शुड बी एक्चुअली ग्रेटफुल एज क्रिकेट फैंस, एंड आई एम रियली गोना फॉरवर्ड टू लुक वॉच दिस मैच। दोनों तरफ के शायकीन की धमा चौकड़ी और हल्ला गुल्ला के बावजूद ग्राउंड में जब दोनों टीमें खेलने के लिए उतरती हैं, इंडिया पाकिस्तान की टीम, तो जाहिर सी बात है कि एक ज़बरदस्त मुकाबला होता है, और कोई भी हारना नहीं चाहता, क्योंकि सबको पता है कि ये जीत उनके मुल्क में इन खिलाड़ियों को हीरो बना देती है। तो इंडियन जो सपोर्टर्स हैं, इंडियन शायकीन जो हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा तवक्को है, बहुत ज़्यादा वो पुरुमीद हैं जिस तरह उनकी टीम खेल रही है। वर्ल्ड कप में इस वक्त फेवरेट टीमों में भी शामिल है, तो उन्हें लग रहा है कि इंडिया पाकिस्तान के मैच में जो बर्तरी होगी वो इंडिया की होगी, लेकिन साथ ही साथ वो बाबर आजम को नहीं भूल रहे। आई थिंक दो द बैट्समैन इन पाकिस्तान आर ऑल गुड, इंडिया हैज गॉट अ स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप एंड वी आर गोइंग टू रॉक। आई थिंक द ओपनर्स आर सो गुड, द कैप्टन हिमसेल्फ इज बाबर आजम एंड दे हैव अ गुड ओपनिंग पार्टनरशिप, बट एनीवे इंडिया इज गोइंग टू रॉक, वी आर गोइंग टू विन, नो डाउट। इंडिया का तो बैटिंग ही स्ट्रेंथ है, तो आई मीन इंडिया हैव अच्छा लाइनअप है, गिल, रोहित शर्मा, वो सब खेलेंगे। पाकिस्तान का स्ट्रेंथ जो है उसका बॉलिंग है, और ऑफ कोर्स इफ बाबर आजम अच्छा खेल रहे तो गॉट ए गुड चांस टू मेक इट अप टू लेवल विद इंडिया।
सो मेरे हिसाब से इंडिया हैविंग एन अपर हैंड ऑन द गेम। दोनों इंडिया और पाकिस्तान दोनों का अच्छा स्ट्रेंथ है, मगर ये स्पोर्ट है ना, स्पोर्ट्स में सब कुछ स्पोर्ट्समैनशिप में लेना ही चाहिए, नॉट लाइक कंट्री वाइज लाइक पाकिस्तान एंड इंडिया। इस समय एक्साइटमेंट होगा, बट आई थिंक इंडिया तो वी विल ऑलवेज सपोर्ट इंडिया, वो तो जीत जाएगा पाकिस्तान से। होपफुली लाइक वी आई मीन इट विल कम डाउन टू हु कैन हैंडल द प्रेशर बेटर आई थिंक, एंड होपफुली वी हैव द होम एडवांटेज व्हेन वी प्ले अगेंस्ट पाकिस्तान हियर आल्सो। Hopefully we can do some play but outplay them on that day. I think it will come down to that really. इनका स्पिनर्स का ना चलना भारत की स्ट्रेंथ है, क्योंकि हमारा मिडिल ऑर्डर और हमारे स्पिनर्स अच्छा खासा इंपैक्ट मारेंगे, चाहे कुलदीप से लेके चाहे आप कह लीजिए अश्विन तक। अहमदाबाद की पिच होगी, बैटिंग ग्राउंड होगा, लेकिन कह लीजिए उनका मिडिल ऑर्डर जिस हिसाब से नहीं चल पा रहा है, या कह लीजिए उनके स्पिनर्स शुरुआती 20 ओवर के बाद वो जिस हिसाब से धीरे पड़ जाते हैं और जो रनों की बरसात होती है वो हमारे लिए एडवांटेज। बल्लेबाजी के हिसाब से देखा जाए तो बाबर आजम काबिलियत की तारीफ होनी चाहिए, बाबर अच्छा खेलता है। और जब बात बाबर आजम की हो रही है तो यहाँ मैं एक ऐसे क्रिकेट लवर से आपको मिलवाना चाहता हूँ जो बेंगलोर में रहते हैं, प्रणव जैन उनका नाम है, बहुत ज़्यादा क्रिकेट से उनको लगाव है। महेंद्र सिंह धोनी उनके फेवरेट खिलाड़ी हैं, और एक वक्त ऐसा भी आया कि जब धोनी ने रिटायरमेंट ली तो प्रणव ने यह फैसला कर लिया कि अब वो क्रिकेट मैच देखने कभी स्टेडियम नहीं जाएंगे, लेकिन अब उन्होंने अपना फैसला बदल लिया है, और इसकी वजह यह है कि वो बाबर आजम को बहुत करीब से देखना चाहते हैं और उनकी कशिश जो है उन्हें बेंगलोर के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में ले जाएगी। इस बार अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं जा पाऊंगा मैच के लिए, क्योंकि अहमदाबाद में है और टिकट्स सारे सोल्ड आउट हो चुके हैं, बट बैंगलोर जब टीम आएगी तो कोशिश यही रहेगी कि जाके वो टीम से मुलाकात करूं मैं। पाकिस्तान टीम को आकर हर दिन आप नहीं देख सकते हो इंडिया में खेलते हुए, बहुत टाइम के बाद आए हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है इस बार और टॉप फोर कंटेंडर्स तो ज़रूर है, बट देखते हैं कि पाकिस्तान टीम इस बार कितना अच्छा खेलती है। प्रणव के पास बाबर आजम की जर्सी भी मौजूद है, एक टी शर्ट उनके पास मौजूद है जो उन्हें 2016 की PSL के मौके पर मोहम्मद नवाज़ ने उन्हें दी थी, और अब प्रणव की ये बड़ी ख्वाहिश है, वो शिद्दत से इसके ख्वाहिशमंद हैं कि वो बाबर आजम से जाकर मिलें, किसी तरह उन्हें मौका मिल जाए कि वो बाबर आजम से मुलाकात करें और इस जर्सी पर इस शर्ट पर उनके ऑटोग्राफ वो ले सकें। तो ये वो जर्सी है जो मोहम्मद नवाज़ ने मुझे दी थी, अपनी पहनी हुई जर्सी थी, 2016 में उन्होंने मुझे दी थी, तो मैं कोशिश करूँगा कि ये आकर उनसे साइन हो जाए। और एक बहुत ही स्पेशल जर्सी है मेरे पास एक बहुत ही स्पेशल प्लेयर की जो अभी टॉप 5 बैटर्स इन द वर्ल्ड है, ये मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि किसी भी हालत में साइन हो जाए, क्योंकि पता नहीं वापस बाबर आजम कब इंडिया आए और कब मैं ये जर्सी साइन करवाऊँ। बाबर आजम हो या शाहीन आफरीदी, विराट कोहली हो या जसप्रीत बुमराह, ये वो खिलाड़ी हैं जो इस दौर के ज़बरदस्त परफॉर्मर हैं, और हम हमेशा यही देखते हैं कि इन खिलाड़ियों का मवाजना माजी के खिलाड़ियों से उनके परिस्तार कर रहे होते हैं, लेकिन भारत के जो सीनियर सहाफ़ी हैं विजय लोकापल्ली, वो इस मवाजने के हमेशा ख़िलाफ़ रहे हैं, वो इस पर यकीन नहीं रखते, और उन्हें इस बात का भी अंदाज़ा है कि ये जो मौजूदा पाकिस्तानी टीम है वो उतनी ही मतलब टाइटल जीतने की, वर्ल्ड कप जीतने की सलाहियत रखती है जितनी दूसरी टीमें। शकूर भाई, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि पुराने खिलाड़ियों से तो कंपेयर करना ही नहीं चाहिए। सैयद अनवर, माजिद खान, अगर आप देखें इन्होंने बड़ी बड़ी इनिंग्स खेली हैं, ज़हीर अब्बास और जावेद मियांदाद का आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, इमरान खान का एक रिकॉर्ड उठा के देखिए, वो टीम बड़ी गजब की टीम थी, बड़े बड़े ज़बरदस्त खिलाड़ी होते थे। आज भी अच्छी टीम है, यंग खिलाड़ी हैं, बाबर आजम तो वर्ल्ड के टॉप में आते हैं, शाहीन अफरीदी भी वर्ल्ड के टॉप में आते हैं, और इनसे आप उम्मीद रख सकते हैं कि ये टीम जितनी दूसरी टीमें दावा कर सकती हैं वर्ल्ड कप जीतने का, ये पाकिस्तान टीम भी कर सकती है, क्योंकि इनके पास अगर आप देखिए बॉलिंग अटैक अच्छा है और बैटिंग तो है, लंबी बैटिंग करते हैं। इसमें यह है कि नसीम शाह अगर वो होते तो और भी अच्छी बॉलिंग होती, लेकिन वो इंजरी हो गई उनको, बहुत अनफॉर्चुनेट। पर इंडिया और पाकिस्तान अगर आप देखें, इंडिया की भी टीम बहुत सुलझी हुई टीम है, विराट कोहली हैं ऊपर, रोहित शर्मा हैं, शुभमन गिल पे आप नज़र रखिएगा, बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी है आने वाले टाइम का, वो भारत का कप्तान भी बन सकता है। और उसी तरह अगर आप देखें, पाकिस्तान ने भी रेगुलरली प्लेयर्स दिए हैं टीम को,
जो है अपनी नेशनल टीम को। सो ये आप जो है पाकिस्तान के भी इंडिया में फैंस हैं, इंडियन क्रिकेट के पाकिस्तान में फैंस हैं। अब अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे एक मैच ही खेलेंगे लीग में, अगर दोनों फाइनल में पहुँचे तो दो मैच। सो सिर्फ ये है कि इतने अरसे बाद पाकिस्तान की टीम भारत में आके खेल रही है, ये वर्ल्ड कप की खासियत है इस वर्ल्ड कप में। और मुझे उम्मीद है कि ये दोनों टीमें अगर फाइनल खेलें तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। ये तो हुई इंडिया की बात, इंडिया में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात, लेकिन एक दुनिया ऐसी भी है जो इंडिया से बाहर है लेकिन वो भी क्रिकेट से अपने आप को दूर नहीं रख सकती। लंदन की एफएम टीवी प्रेजेंटर आरजे ज्योति, उनका अपना बोलने का, गुफ्तगु करने का एक खूबसूरत अंदाज़ है, चाहे वो पंजाबी में बात करें, उर्दू में करें या हिंदी में करें, और जब बात पाकिस्तान क्रिकेट मुकाबलों की आ जाए तो उनका लहजा और ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। देखो, हर कोई चाहता है कि उसके मुल्क की टीम जो है वो जीते, लेकिन हाँ, ये बात बहुत ही अहमियत रखती है कि जब भी कभी हमारे हिंदुस्तान का और पाकिस्तान का आपस में मैच होता है तो बहुत ही ज्यादा लोगों में काफी एक्साइटमेंट होती है, काफी उत्साह होता है। वैसे तो देखो, ऑस्ट्रेलिया खेलता, न्यूजीलैंड खेले, बांग्लादेश खेले, वो उतनी एक्साइटमेंट उतनी लोगों में ज्यादा बात नहीं होती मैच को लेकर जितनी बात पाकिस्तान और इंडिया के मैच को लेकर होती है। तो यहाँ का इंग्लैंड का जो इस वक्त का जो टाइम है उसके हिसाब से तो देखो, जो हमारे मुस्लिम कम्युनिटी वाले लोग हैं वो तो बिल्कुल तैयार खड़े हैं। जैसे उनके लिए पाकिस्तान जीतने वाली बात है तो पाकिस्तान जीतेगा तो ईद जैसी बात है पे उनके घर में जश्न होंगे। एंड दूसरी तरफ हमारे मुल्क के लोग यानी कि हिंदुस्तान के लोग भी उतने ही तैयार हैं, ढोल ताशे लेके खड़े हैं। बिल्कुल जी, वो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। बस मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि जो भी जीते अच्छे से खेल कर जीते। वैसे एक बात जरूर कहना चाहती हूँ, मजा पाकिस्तान और हिंदुस्तान की टीम का ही आता है। चलें, ये बात तो समझ में आती है कि लंदन में क्रिकेट का एक माहौल है, काउंटी क्रिकेट होती है, इंटरनेशनल क्रिकेट होती है, वहाँ पे जो लोग हैं वो क्रिकेट को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, लेकिन अमेरिका में इस तरह सूरत हाल नहीं है, वहाँ क्रिकेट कल्चर अभी तक डेवलप नहीं हुआ इतनी ज़्यादा। लेकिन कराची से अमेरिका गई हुई, न्यूयॉर्क गई हुई आतिका मिर्ज़ा जो पाकिस्तानी खातून हैं, वो कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देती अमेरिका में रहते हुए भी, और ख़ासतौर पर जब बात हो इंडिया पाकिस्तान मैच की। इंडिया में जो वर्ल्ड कप का मैच हो रहा है उसको बिल्कुल रिलीजियसली फॉलो करें, सवाल ही नहीं पैदा हो सकता है कि वर्ल्ड कप हो रहा हो और इंडिया में हो रहा हो। एक तो वर्ल्ड कप है, वो कहीं भी हो रहा हो तो बंदा फॉलो करता है, लेकिन अगर इंडिया में है और इंडिया पाकिस्तान के दरमियान है तो वो चीज, उसकी जो हाइप है और उसकी जो अट्रैक्शन है वो डबल हो जाती है। तो मैं बहुत रिलीजियसली फॉलो कर रही हूँ। हाँ, ये बात जरूर है कि आतिका मिर्ज़ा को ये बात शिद्दत से महसूस होती है कि जो क्रिकेट का जो माहौल है, जो रिवायती माहौल जो होना चाहिए, वो अमेरिका में उन्हें नजर नहीं आता। क्रिकेट का शौक इस तरह पूरा करते हैं यहाँ पे कि अगर तो घर में है तो वो एक डिजिटल बॉक्स आता है, वो मैंने लगाया हुआ है और उसे देखते हैं। हाँ, ये चीज बहुत कभी महसूस होती है कि लास्ट भी इंडिया पाकिस्तान का मैच था, आई वॉज एट वर्क प्लेस, तो वो वाली जो एक आपको माहौल मिलता है ना कि आप क्यूबिकल में एक दूसरे के घुसे हुए होते हैं, गालियां चलती हैं, खुश तालियां बजती हैं, सीटियां होती हैं, वो वाला माहौल नहीं होता ऑफकोर्स, तो वो चीज होती है। बंदा ऑफकोर्स मिस करता है। मुझे याद है लास्ट ईयर PSL का मैच था एंड मैं शिकागो जा रही थी और मैं एयरपोर्ट पे थी और मैं बड़ी लाइव स्ट्रीमिंग इसके उसके परेशान थी और जगह जगह जो स्क्रीन पे उनका अपना कोई आइस हॉकी का कोई मैच आ रहा था और पूरी आवाम वो देख रही थी, तो उस वक्त मैं बड़ा लोनली फील कर रही थी कि यार आई विश मैं पाकिस्तान में होती तो सवाल ही नहीं होता कि PSL का मैच आया और बंदा जो है उसको कहीं लाइव स्ट्रीमिंग करनी पड़ेगी क्योंकि स्क्रीन होते हैं, ये आपका अपना मैच तो आ ही रहा होता है टीवी पे। तो ये थी इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में चंद मजे मजे की बातें, और अब सिर्फ इंतजार है चंद घंटों का और उसके बाद वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला